कोई तुम्हारा फोन लेके ऐसे वीडियो क्यों बनाएगा? खुल के बताओ ना गुलकी, क्या चाहिए तुमको? हम सब कुछ देंगे। कोई भूल हुई हमसे, कोई कमी रह गई, हाँ इस घर में तुम्हें तुम्हें क्या कमी है बताओ? क्यों इससे बेवजह बात कर रही हैं बुआ मां? ये आपके सवालों के लायक नहीं है। इनफैक्ट ये तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं है। कहाँ कह रहे हम ना, हाथ छोड़िए। हाँ, तो ड्रामा यही है कि ये कुछ घर वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ी गई है और मुझे मेरी बुआ ने बुआ माँ ने बोला है कि ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, हम पे नज़र रखी हुई थी। तो आदित्य थोड़ा वैल्यूज़ वाला इंसान है कि उसको अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे कैसे कर सकती है, वो भी मेरे परिवार की। हाँ, तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, आई फील मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड आदित्य को कुछ भी अगर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और गुलकी पे चिल्लाना है, वो पहले रेडी होता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन नहीं है, ये इश्क डबरिया है जहाँ पे ज़बरदस्ती की चीज़ें होती है और ज़बरदस्ती हर चीज़ का इल्ज़ाम गुलकी के ऊपर लगता है, तो ये वही चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं, इसने किया नहीं है, इसने सपोर्ट किया है, बट वो ह्यूमन मॉरल्स के बेसिस पे किया है। इंसान का जो तरीका होता है बस उसी तरीके से, बाकी इसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। ये जितनी बेइज्जती करे वो इसके लिए अच्छा होगा, वो जितना मुझ पे इल्ज़ाम लगाए वो इसके लिए अच्छा होगा। घर वाले जो बोलेंगे ये वो मानने के लिए तैयार है। गुलकी क्या है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं रुको, आई हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन टू इट। हाँ, मॉरल वैल्यूज पे अपने मॉरल एज अ ह्यूमन उसने बहुत मदद की है गुलकी की, बट कभी कभार ऐसा हुआ भी है जहाँ उसने, जहाँ आदित्य ने इसको अंडरस्टैंड भी किया है। अब जैसे देयर वाज अ सीन कि जहाँ इसको पता लगता है कि ये जो सारे पैसे इकट्ठे कर रही थी निक्कू के इलाज के लिए कर रही थी, देन ही रियलाइज्ड। हाँ, बट थोड़ा उसका टशन चल रहा है गुलकी और आदित्य का कि भैया वो चलते रहना चाहिए, बिकॉज अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है, वो प्यार की एक्सेप्टेंस नहीं आई है, और आगे आगे होता है, होगा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, क्या करते हैं? एडिटिंग। हाँ, अच्छे सुनते सुनते एडिट्स होते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यूजुअली देखता भी हूँ बट थोड़ा शेयर कुछ ही कर पाता हूँ। हाँ, बट आई रियली लव योर एडिट्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एज अ कपल वी आर ग्रोइंग, पीपल आर लविंग एज अ कपल, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। और फैंस को कहेंगे कि हम आपको और एंटरटेन करेंगे, आप और मोटिवेट हो और आप आ जा मेरा बच्चा। हाँ, आप और मोटिवेट हो और आप हमारे एडिट्स करते रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं घर से निकलती हूँ तब सारे एडिट्स देखती हूँ, घर पहुँचती हूँ तब सारे एडिट्स देखती हूँ, और वो सब देख के रिपोस्ट भी करती हूँ। मैं कुछ कुछ नहीं करती, मैं सारे करती हूँ। आई नो, आई नो, यू आर, और उन सबको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उन्हीं के लिए मैं सुबह यहाँ जाती हूँ और रात तक रहती हूँ। तो जो प्यार आप लोग दे रहे हो वो प्यार आप लोग देते रहो, और मैं भी वो प्यार डिजर्व करूँ वैसा काम करती रहूँगी। वेरी नाइस।